जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बीएड सीईटी के कैपराउंड 2022 का अलॉटमेंट आ गया है और करीब करीब 8000 स्टूडेंट का तो नाम कंसीडर ही नहीं किया था, 9000 स्टूडेंट। कल ही मैंने वीडियो बनाया था जो एनालिसिस उन्होंने भेजा था, उसमें 9000 स्टूडेंट का कंसीडर नहीं किया गया था। एंड उससे भी सबसे ज्यादा हाइट यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट को अलॉटमेंट नहीं है। और एक कॉलेज का मैं मेरिट लिस्ट चेक कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि रैंडमली एट रैंडम स्कोर दिए हुए हैं, देयर इज नो मेरिट लिस्ट फिक्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हायर मार्क्स वाले भी थे जो जिसने उस कॉलेज में अलॉट किया है और उनका मार्क्स ज्यादा होने के बावजूद भी उनको अलॉट नहीं हुआ है, बट जिनका लोअर स्कोर है उनको अलॉट हुआ है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है सीईटी सेल के थ्रू, बट ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। और जिनको अलॉट नहीं हुआ उनके लिए अब सीधा एक ही ऑप्शन है, गो फॉर राउंड टू। कोई बीच में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 23 तारीख से लेके 25 तारीख तक एडमिशन है, यानी कल से लेके 25 तारीख तक एडमिशन प्रोसेस होगा। उसमें फ्रीज एंड फ्लोट मेथड जो करना है आपको वो करना है। और अगेन मैं ये बहुत अच्छे से बता दूं कि जिनको यार एडमिशन मिल गया है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, गेट एडमिशन इन टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है कि 10,000 के आसपास स्टूडेंट को अलॉट नहीं हुआ है राउंड वन में, और 9000 स्टूडेंट ऑलरेडी वेटिंग में है। ओके, सो 20,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको राउंड टू में जाना है। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिला है, तो आप टेंशन मतलब आपको भी मिलेगा, बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर 400 प्लस बीएड कॉलेजेस है, इनफ सीट है, तो एडमिशन मिलेगा। बट अब आपको राउंड टू में जाना है, डोंट पैनिक कि आपको राउंड वन में नहीं मिला तो कहानी खत्म, खेल खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। राउंड टू में भी आप अप्लाई करो, राउंड थ्री होता है, इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, वहाँ पे भी एडमिशन मिलते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है और आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म। और यू कैन कॉल ऑन अवर बोर्डलाइन नंबर, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपको एक्सप्लेन कर देगी अब क्या करना है। एंड राउंड टू जो है वो चालू होगा 30 तारीख से, 30 तारीख में ही आपको फिर से कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें 30th of November से स्टार्ट होगी। उस समय आप अप्लाई करिए, उस समय आपको सारी चीज़ें, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो कर सकते हो, और जो जो प्रोसेस बाकी है, जो जो कॉलेजेस आपको नहीं मिला तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी। एंड डोंट पैनिक गाइस, अभी ये एक ही राउंड हुआ है, दूसरा तीसरा राउंड भी आने वाला है, सो डोंट पैनिक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।